एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, विच इज़ ब्लैक बॉडी कर्व। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉडी कर्व जो है ये हमारे लिए इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक प्रॉब्लम थी। ब्लैक बॉडी कर्व को एक्सप्लेन करना हमारे लिए एक टास्क था और इसी प्रॉब्लम की वजह से जो क्वांटम मैकेनिक्स थी, जो एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, प्लैंक हाइपोथेसिस जो थी वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे सामने आई थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो आवर टॉपिक इज़ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। क्या कोई भी बॉडी ब्लैक कलर की बॉडी होती है? ठीक है, ऐसा मिथ होता है, ऐसा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अगर ब्लैक बॉडी है तो वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए। नो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक ऐसा मटेरियल जो हर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके और हर वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट कर सके। ठीक है, तो एक ऐसा मटेरियल जो एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो एक अच्छा एमिटर भी होता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या है? जो हर वेवलेंथ की या हर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और हर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को जो है वो एमिट करे। ठीक है, तो हमारी जो आइडियल ब्लैक बॉडी होती है, ये माना जाता है कि सन और जो प्लैटिनम ब्लैक है ये आइडियल ब्लैक बॉडीज़ होती है। ठीक है, आइडियल ब्लैक बॉडीज़ कौन? आइडियल मतलब कि एक हमने आइडियलाइज कर दिया है कि हाँ, हमारे हिसाब से अभी जो प्रैक्टिकली चीज़ें अवेलेबल है उनमें जो आइडियल ब्लैक बॉडी है वो कौन कौन सी है? सन एंड प्लैटिनम ब्लैक। ओके, सो दीज आर आइडियल ब्लैक बॉडीज। और ब्लैक बॉडी क्या है? लेट अस सपोज ये हमारी ब्लैक बॉडी है, तो हर रेडिएशन की हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को वो एमिट कर सके और हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो इस पे बेस जो एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं। हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था कि हमने एक शेल ली, ठीक है, बीटू का शेल, और उस शेल में एक छोटा सा जो है हमने होल किया। ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारी शेल है और इस शेल में ये एक छोटा सा होल है। ठीक है, और इस शेल को अंदर से जो है ब्लैक बॉडी की कोटिंग की गई। ठीक है, इस शेल को अंदर से ये पूरी एक ब्लैक बॉडी की कोटिंग जो है वो की गई। ठीक है, उसके बाद इस शेल को हीट किया गया। ठीक है, जब हीट किया तो ऑब्वियसली ये जो ब्लैक बॉडी के मॉलिक्यूल्स होंगे ये ऑसिलेट होंगे। ठीक है, ये रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट करेंगे, तो ये इस तरीके से जो है रेडिएशंस को एमिट करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब इस होल से जो है रेडिएशन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन बाहर एमिट हुई है इसके थ्रू हमने जो ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम था वो बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी जो कर्व था वो किस तरीके से आ रहा था? दिस, और जो कर्व था वो किसके रिस्पेक्ट में था? दिस इज वेवलेंथ एंड दिस इज एमिसिव पावर। ठीक है, पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये पावर होती है। सो दिस इज ऑल्सो एमिसिव पावर। ठीक है, एमिसिव पावर। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी जो कर्व था वो किस तरीके से आया? ये ऐसे इस तरीके से आया। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ फॉर टेम्परेचर T1, दिस इज़ फॉर टेम्परेचर T2 एंड दिस इज़ फॉर टेम्परेचर T3। ठीक है, और जो मैक्सिमम जो पीक वैल्यू थी वो लैम्डा, ये हो गया लैम्डा M1, ये हुआ लैम्डा M2 एंड ये हुआ लैम्डा M3। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे वो क्या थे कि पहली चीज़ हमें पता चली
कि जो ब्लैक बॉडी कर्व है वो कैसा है, कंटिन्यूस है, ठीक है, ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ हमें पता चली कि जो एमिसिव पावर है वो वेवलेंथ की कुछ वैल्यू के लिए इंक्रीज़ हो रही है, फिर एक पीक वैल्यू के पीक वैल्यू पे पहुंच के फिर वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये सेकंड था। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिला कि जो एमिसिव पावर है वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग है, ठीक है, एमिसिव पावर जो है वो वेवलेंथ के साथ साथ चेंज हो रही है, ठीक है। थर्ड चीज़ हमें पता चली कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे T3 इज़ ग्रेटर देन T2 विच इज़ ग्रेटर देन T1, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे जो पीक वैल्यू है वेवलेंथ की वो, यानी कि पीक वैल्यू है एमिसिव पावर की, वो कहाँ शिफ्ट हो रही है, लोअर वेवलेंथ के तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वॉज ब्लैक बॉडी कर्व इज कॉन्टिन्यूस, सेकेंड ऑब्जर्वेशन वॉज एमिसिव पावर इंक्रीजेस विथ वेवलेंथ अप टू अ पीक वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हमने फाइंड आउट करी थी, कि देयर इज डिफरेंट डिफरेंट एमिसिव पावर एट डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, एमिसिव पावर इज डिफरेंट एट डिफरेंट वेवलेंथ, ओके। फोर्थ क्या था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो एमिसिव पावर है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है, एज टेम्परेचर टी इंक्रीजेस पीक वैल्यू ऑफ एमिसिव पावर शिफ्टेड टूवर्ड्स लोअर वेवलेंथ्स, लोअर वेवलेंथ्स, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या हुआ कि जो लैम्डा एम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो एमिसिव पावर है वो लोअर वेवलेंथ्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट विच इज बी, ठीक है, और बी यहाँ पे क्या है, वीन्स कांस्टेंट, ओके, वीन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.898 × 10⁻³ m, सो दिस इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या था, ये जो हमारा कर्व है इसमें अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालें तो क्या आएगा, टोटल एमिसिव पावर, ठीक है। तो जो टोटल एमिसिव पावर होगी ई वो कितनी होगी, 0 to ∞ ई लैम्डा डी लैम्डा, ओके। तो इट वॉज फाउंड दैट ई इज इक्वल टू सिग्मा T4, ठीक है, और यहाँ पे ये जो एप्साइलन है इट इज एमिसिविटी, ओके, एमिसिविटी, ओके,
यानी कि ये रेडिएशन कितना एमिट हो रही है किसी भी मटेरियल से, उसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आइडियल जो ब्लैक बॉडी होगी वो तो सारी रेडिएशन एमिट कर देगी, राइट। तो आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए जो एमिसिविटी होती है इट इज 1 फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी। दिस एप्साइलन इज इक्वल टू 1, ओके। एंड दिस सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन्स कॉन्स्टेंट, स्टीफन्स कॉन्स्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10^-8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, ओके ओके। सो दिस इज स्टीफन्स कॉन्स्टेंट। नाउ जो सिक्स ऑब्जर्वेशन हमने की वो क्या थी, कि जो एमिसिव पावर की पीक वैल्यू है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू T^5, ओके। सो पीक वैल्यू ऑफ एमिसिव पावर EM इज प्रोपोर्शनल टू T^5, ओके। तो अब इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट आए, फर्स्ट वॉज वीन एंड द सेकेंड वन वॉज रेले जीन, ठीक है। तो वीन ने अपनी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, रेले जीन ने अपनी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन जो वीन थे वो बस लोअर वेवलेंथ वाले पोर्शन को एक्सप्लेन कर पाए और जो रेले जीन थे वो बस हायर वेवलेंथ वाले जो पोर्शन को जो है वो एक्सप्लेन कर पाए। यानी कि ये जो पूरा ब्लैक बॉडी कर्व था उस पूरे को एक्सप्लेन वो दोनों ही जो साइंटिस्ट थे वो नहीं कर पाए, ठीक है। तो एक बार हम ये देखते हैं कि उन्होंने कैसे अप्रोच लगाई इस कर्व को सॉल्व कर, इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। फिर लास्ट में प्लैंक आए, उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी और उसके बेसिस पे ये जो ब्लैक बॉडी कर्व था ये पूरा एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीन के रेडिएशन लॉ की, जो सिर्फ लोअर वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर पाया। वीन्स रेडिएशन लॉ, ठीक है। तो वीन ने एक मैथमेटिकल अप्रोच लगाने की कोशिश की इस ब्लैक बॉडी कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वीन ने क्या देखा कि ये जो ब्लैक बॉडी कर्व है ये दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, एक तो वेवलेंथ पे और एक टेम्परेचर पे, ठीक है। तो उन्होंने एक फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब किया विच इज लेट अस सपोज एफ लैम्डा टी, ठीक है। तो वीन ने क्या कहा कि जो एमिसिव पावर है, एमिसिव पावर है वो अगर हम वेवलेंथ लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा में डिस्क्राइब करने की कोशिश करें कि तो फिर ये जो एमिसिव पावर होगी वो एक तो डिपेंड करेगी इस फंक्शन पे, जो कि फंक्शन है लैम्डा और टी का, क्योंकि जो एमिसिव पावर है वो इन दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और पीक वैल्यू हमने क्या देखा कि जो पीक वैल्यू है एमिसिव पावर की वो T^5 के प्रोपोर्शन है, ठीक है। और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हमें क्या पता चला था कि ये जो लैम्डा है ये 1/T के प्रोपोर्शन है, राइट। तो यहाँ से हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि लैम्डा जो है वो 1/T के प्रोपोर्शन है। तो अगर हम इस पीक वैल्यू को लैम्डा के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, EM इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ^5, ठीक है। तो वीन ने इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया, एक तो उन्होंने एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया लेट अस सपोज दैट इज़ ए, और पीक वैल्यू के लिए उन्होंने यूज़ किया λ^5 और यहाँ d λ, ठीक है।
तो ये जो टर्म था वो तो पीक वैल्यू को डिनोट कर रहा था, ठीक है, एमिसिव पावर की पीक वैल्यू को, और ये बाकी जो रेस्ट जो वैल्यू बच रही थी फुल रेंज को, जो है एमिसिव पावर की फुल रेंज को, ये फंक्शन डिनोट कर रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का सहारा लिया, ठीक है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये जो एफ लैम्डा टी होगा वो क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी, क्योंकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, माइनस ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन के टी होता है ना, ठीक है। तो इसी जो है हाई मतलब कि इसी एनालॉगी का उन्होंने सहारा लिया एंड इस फंक्शन को उन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो एमिसिव पावर है वो क्या है, ए अपॉन लैम्डा टू दी पावर 5 ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी, ठीक है। सो दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन, एंड यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो एमिसिव पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी के, ठीक है। अब अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो ए अपॉन लैम्डा टी डिक्रीज होगा, यानी कि ई टू दी पावर ए अपॉन लैम्डा टी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि लैम्डा के साथ साथ ये जो फंक्शन है, जो फंक्शन यानी कि एमिसिव पावर जिस फंक्शन पर डिपेंड कर रही है वो इंक्रीज होगा और इंक्रीज ही होता रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो ब्लैक बॉडी कर्व था वो किस तरीके से था, ऐसे था। तो ये जो वीन रेडिएशन लॉ था वो बस लोअर वेवलेंथ के रीजन को जो है एक्सप्लेन कर पाया था, ठीक है। सो इट इज वैलिड फॉर लोअर वेवलेंथ रीजन ओनली, ओके। तो यहाँ पे जो है वीन्स रेडिएशन लॉ फेल हो गया, वो हायर वेवलेंथ वाले रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब बात करते हैं कि रेले जीन ने कैसे एक्सप्लेन किया था। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट रेले जीन रेडिएशन लॉ, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, ठीक है। तो रेले जीन ने क्या कंसीडर किया कि जो ब्लैक बॉडी को जब हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया था, शेल के अंदर ब्लैक बॉडी की कोटिंग की थी, फिर उस शेल को हीट किया था। तो जब हम हीट कर रहे हैं तो ब्लैक बॉडी के जो एटम्स हैं वो एक वो वाइब्रेट करेंगे, ऑब्वियसली, है ना, और वो वाइब्रेट करेंगे तो वो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, और फिर ईएम वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे जो कि एनर्जी कैरी करेंगी, ठीक है। फिर उन्होंने फर्दर इक्विपार्टीशन थ्योरम का सहारा लिया और उन्होंने एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करी, फिर नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन फाइंड आउट किया और उसकी हेल्प से एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करी, ठीक है। तो यहाँ उनका जो मेन कंसिडरेशन था वो क्या था कि जो ब्लैक बॉडी मटीरियल के जो एटम्स हैं, जो उसके एटम्स हैं, वो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे, दे विल एक्ट लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड देन दे विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैरी एनर्जी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम average energy at temperature T corresponding to one mode of vibration
एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एवरेज एनर्जी होती है वो कितनी होती है, KT होती है। ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट किया था कि ई जो है वो हम कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी px2/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी ½m ω2x2। और हर क्वाड्रेटिक टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, ½ kT। तो दिस इज ½ kT प्लस दिस इज ऑल्सो ½ kT, दोनों क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं। तो जो एवरेज एनर्जी थी, जो एवरेज एनर्जी है वो हमारी कितनी आई, kT। ठीक है, सो दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। अब नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन का हम डेरिवेशन नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग लिखने वाले हैं कि नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, इस केस में वाइब्रेशन इन वेवलेंथ, लैम्डा प्लस डी लैम्डा कितना आया था, इसको हम डिराइव अभी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, एक वीडियो इससे रिलेटेड भी हम लोग अपलोड कर देंगे। सो नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस जो थे वो यहाँ पे कितने आए, 8π/λ⁴ dλ। ठीक है, अब एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इस नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन को एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो है एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी इस रेंज में कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी इन वेवलेंथ लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। ठीक है, तो यू लैम्डा डी लैम्डा, ये जो एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी आई, हमने नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन को एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई किया, एक नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की कॉरस्पॉन्डिंग जो एवरेज एनर्जी है उसको नंबर ऑफ नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी आएगी। ठीक है, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जो हमारी एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी आई, 8π/λ⁴ dλ kT। ओके, सो यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8π kT/λ⁴ dλ। यहाँ से आया ये, अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो यू लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है λ⁴ के, यानी वेवलेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो एमिसिव पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। तो जो हमारा ब्लैक बॉडी कर्व था वो कैसा था, ऐसे था। ठीक है, तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, एमिसिव पावर डिक्रीज हो रही है, वो कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये जो रेले जीन रेडिएशन लॉ था वो सिर्फ हमारा हायर वेवलेंथ के पोर्शन को ही एक्सप्लेन कर पाया था। ठीक है, तो इट इज वैलिड फॉर हायर वेवलेंथ रीजन ओनली। ठीक है, अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट है हमारा कि इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में चेंज करें तो क्या होगा, वी नो दैट न्यू कितना होता है, c/λ। ठीक है, तो डी न्यू कितना होगा, -c/λ² dλ। ठीक है, अगर हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है फ्रॉम न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, तो जो हमारा यू न्यू डी न्यू होगा वो कितना होगा, 8π kT/λ² और डी लैम्डा की जगह पे हमने क्या किया है, इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। ठीक है,
तो इट इज़ डी न्यू अपॉन सी, ठीक है। अब लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन न्यू, ठीक है, सी अपॉन न्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से यू न्यू डी न्यू कितना आया, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू के टी डी न्यू, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो यू न्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल है, न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हमने डेफिनेशन ही क्या दी कि ऐसी बॉडी जो जीरो से लेके इन्फेनाइट तक हर फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन को जो है एब्जॉर्ब करे। तो न्यू अगर यहाँ पे टेंस टू इन्फेनाइट होगा तो यहाँ पे यू न्यू भी कितना हो जाएगा, इन्फेनाइट होगा। लेकिन एनर्जी डेंसिटी तो कभी भी इन्फेनाइट नहीं हो सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, यूवी कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ क्या देखा कि वीन और रेले जीन दोनों ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए, ठीक है। तो अब जो है प्लैंक ने एंट्री मारी, उन्होंने अपनी प्लैंक हाइपोथेसिस दी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब प्लैंक और रेले जीन दोनों की जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सेम थे। रेले जीन ने भी ये कहा था कि ब्लैक बॉडी के जो एटम्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे, तो प्लैंक ने भी यही कहा कि जो एटम्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो एवरेज एनर्जी ली थी वो एवरेज एनर्जी ली वो कितनी ली, एच न्यू ली, यानी कि क्वांटाइज्ड फॉर्म की एनर्जी ली यहाँ पे। लेकिन रेले जीन ने जो एनर्जी ली थी वो नॉर्मल वो उन्होंने इक्विपार्टीशन थ्योरम की हेल्प से ली थी, ठीक है, कंटिन्यूस एनर्जी ली थी। लेकिन प्लैंक ने बस डिफरेंस क्या किया, उन्होंने क्वांटाइज्ड एनर्जी ली और उसी के बेसिस पे उन्होंने ब्लैक बॉडी कर्व को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब प्लैंक ने एंट्री मारी, प्लैंक हाइपोथेसिस, प्लैंक हाइपोथेसिस। तो प्लैंक ने भी क्या कहा कि जो एटम्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे, और जो बस उनका डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है, क्वांटाइज्ड। और यहीं से जो क्वांटाइज्ड एनर्जी थी उसका कॉन्सेप्ट सामने आया, और क्वांटम मैकेनिक्स इसी इसी वर्ड से निकली है विच इज़ क्वांटा, ठीक है। तो उन्होंने एनर्जी को क्या लिया, ई एन इज इक्वल टू एन एच न्यू, ठीक। तो एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है, क्वांटाइज्ड है, ये कॉन्सेप्ट प्लैंक ने यहाँ पे यूज़ किया। और यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट, ओके। अब यहाँ पे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेंगे क्योंकि हम एटम्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और एटम्स के लिए हम कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ठीक है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स होंगे जिनकी एनर्जी, तो किसका हम सहारा ले रहे हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जिनकी जो एनर्जी है वो एन एच न्यू होगी, ऐसे नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने होंगे, ए ई टू द पावर माइनस ई एन अपॉन के टी, ठीक है, यही कहती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, ठीक है। और अब हमें क्या निकालनी है, एवरेज एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम एवरेज एनर्जी निकालें वो कितना होगा, समेशन एन इज इक्वल टू ज़ीरो एन एन ई एन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, ठीक है, समेशन कर दिया। अब ई एन की जगह पे ई एन की वैल्यू लिखेंगे विच इज एन इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी एन एन यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे
विच इज ई एन ई टू द पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी अपॉन एन इज इक्वल टू ज़ीरो ए भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, ए ई टू द पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है। और इस एन एच न्यू को हम ई एन से वापस रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इस ई एन को एन एच न्यू लिख सकते हैं। तो इस ई एन को एन एच न्यू लिखेंगे तो हमारी जो एवरेज एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में आएगी, एन इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो टू वॉट एवर द नंबर ऑफ एटम्स वी आर हैविंग, ओके। सो एन एच न्यू ए टू द पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी अपॉन ई टू द पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी, ठीक है। नाउ लेट इस कंसिडर कि लेट एच न्यू अपॉन के टी को हमने क्या माना, एक्स माना, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू अपॉन के टी है तो अपॉन में के टी करेंगे और उस के टी को मल्टीप्लाई भी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एन एक्स के टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एन एक्स, ओके। सो समीशन एन एन एक्स के टी ई टू द पावर माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एन ई टू द पावर माइनस एन एक्स, ओके। अच्छा, अगर हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हम d बाय डी एक्स यानी कि डिफ्रेंसीशन करें समेशन n e टू दी पावर माइनस एन एक्स का, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस समेशन n, n बाहर आ गया, n e टू दी पावर माइनस एन एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो n e टू दी पावर माइनस एन एक्स है उसको हम d बाय डी एक्स ऑफ e टू दी पावर माइनस एन एक्स लिख सकते हैं, और माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो हमारी एवरेज एनर्जी है वो कितनी आई, माइनस एक्स के टी डी बाय डी एक्स समीशन एन ई टू दी पावर माइनस एन एक्स अपॉन समीशन एन ई टू दी पावर माइनस एन एक्स, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं कि अगर मैं समीशन, इस समीशन को ओपन करूँ e टू दी पावर माइनस एन एक्स को, n ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कितना होगा, वन प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस टू एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस थ्री एक्स एंड सो ऑन, ओके। तो अगर हम ये कैसी एक जी पी बन गया, इन्फेनाइट सीरीज़ का जी पी बना है, तो उसका सम निकालने के लिए हमें पता है कितना होता है, कितना होता है, a अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना है, वन है, तो वन अपॉन वन माइनस आर कितना है, यानी कि इनमें रेशियो कितना है, e टू दी पावर माइनस एक्स, तो ये आ गया इसका सम, ठीक है। अब अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ठीक है, यानी d बाई डी एक्स ऑफ दिस कर दूँ, तो मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो d बाय डी एक्स ऑफ समीशन e टू दी पावर माइनस एन एक्स कितना आएगा, माइनस इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, थीके? तो माइनस वन अपॉन वन माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर ऊपर वाले को करेंगे तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये कितना आया, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन वन माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो हम एवरेज एनर्जी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो d बाई डी एक्स की वैल्यू आई है ये, और e टू दी पावर माइनस एन एक्स वाले की वैल्यू आई है ये, और इन दोनों वैल्यूज़ को हमें कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़ इन एवरेज एनर्जी। तो हमारी जो एवरेज एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, एक्स के टी ये तो आ गया, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे, ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन
वन माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये नेगेटिव है यहाँ पे और एनर्जी में ऑलरेडी ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव की टेंशन नहीं लेनी हमें। ये हो गया ये, ठीक है। दिस इज टी डिवाइडेड बाय वन अपॉन वन माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक। यहाँ से हमें जो एवरेज एनर्जी है वो कितनी आई, एक्स के टी ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन वन माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। ई टू दी पावर माइनस एक्स को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू एक्स के टी अपॉन ई एक्स माइनस वन। अब एक्स हमने क्या माना था, एच न्यू अपॉन के टी, तो एक्स की जगह पे वो वैल्यू रख देंगे तो एवरेज एनर्जी हमारी कितनी आई, एच न्यू अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, ठीक है। और नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन हमने पहले ही निकाले थे कि नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इस फ्रिक्वेंसी में जो हमने रेले जीन वाली कंडीशन में यूज़ किए थे, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन सेम ही रहेंगे, ठीक है। डी न्यू यहाँ पे न्यू स्क्वायर भी आएगा, न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू डी न्यू, ठीक है। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग हमारी जो एनर्जी डेंसिटी हुई वो कितनी होगी, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इंटू एवरेज एनर्जी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ जो हमारी एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी हुई, 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन डी न्यू, ठीक है। अब अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो ये जो है वो हमारे ब्लैक बॉडी कर्व को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ब्लैक बॉडी कर्व वॉज सॉल्व बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये आज की जो वीडियो है ये यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।